ऑनलाइन विजिट या फिर वेबसाइट विजिट, ये नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपने कभी काम किया है ओमनीच्योर पे, साइट कैटलिस्ट पे या फिर गूगल एनालिटिक्स पे। जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं या फिर इसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये शायद सबसे पहला मैट्रिक होगा जो कि कोई भी डिजिटल मार्केटर जानना चाहेगा अपनी वेबसाइट के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबत चैनल, और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक वेबसाइट विजिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आसान तरीके से इसको समझते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों विजिट, अब विजिट नाम से ही साफ पता लगता है कि विजिट क्या होनी चाहिए। विजिट का मतलब किसी कस्टमर का, किसी विजिटर का आना। वेबसाइट की बात एक मिनट के लिए मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूं। अगर मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, समझने के लिए बात करते हैं, तो दुकान में जब कोई कस्टमर आता है तो आप कहते हैं कि इट्स अ कस्टमर विजिट, इट्स अ फुटफॉल, राइट? तो उसको हम विजिट कहते हैं। अब जब एक कस्टमर दुकान के अंदर आता है तो दुकान के अंदर हो सकता है कई सेक्शन हो। मान लीजिए एक गारमेंट्स की दुकान है और अलग अलग सेक्शन है, एक शर्ट का सेक्शन, एक ट्राउजर का सेक्शन, फिर एक लेडीज सेक्शन। तो वो विजिटर आके अलग अलग सेक्शंस पे जाता है। पहले वो शर्ट के सेक्शन पे गया, फिर वो लेडीज डिपार्टमेंट में गया एक ही दुकान में। तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है तो क्या ये अलग अलग विजिट मानी जाएंगी? नहीं, विजिटर तो एक ही है, तो विजिट एक मानी जाएगी। अब मान लीजिए वो विजिटर वहां से चला गया, फिर जाते ही उसको कुछ याद आया, 10 मिनट बाद वो फिर से दोबारा आया, तो क्या आप उसको दोबारा विजिट काउंट करेंगे? नहीं, वो एक ही विजिट मानी जाएगी। अब एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए वही विजिटर, वही कस्टमर आया, चला गया, लेकिन उसके बाद फिर अगले दिन फिर से आ रहा है, फिर से उसने कुछ खरीदने का मन बना लिया, फिर से आ रहा है, तो क्या अब आप उसको दो बार विजिट मानेंगे या एक मानेंगे? तो यहां पर एक डेफिनेशन, ऑनलाइन वर्ल्ड में, वेबसाइट वर्ल्ड में हम एक डेफिनेशन यूज करते हैं कि विजिट क्या होनी चाहिए, और ये विजिट की जो डेफिनेशन है ये सेम रहती है गूगल एनालिटिक्स में और अडोबे एनालिटिक्स में। ये गूगल एनालिटिक्स और अडोबे एनालिटिक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये दो सबसे बड़े एनालिटिक्स प्रोवाइडर हैं जो कि वेबसाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, और ज्यादातर जिसकी भी वेबसाइट होगी वो या तो गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहा होगा या फिर ये साइट कैटलिस्ट अडोबे यूज कर रहा होगा। दोस्तों अगर मैं विजिट की डेफिनेशन की बात करूं तो विजिट इज एन ऑनलाइन सेशन ऑफ अ विजिटर व्हिच इज लेस देन 12 आवर्स एंड विदाउट अ ब्रेक ऑफ मोर देन 30 मिनट्स। सो ये तो हो गई टेक्निकल डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, अगर मैं इसको आसान भाषा में बात करूं तो ऑनलाइन विजिट वो होती है जब एक विजिटर आता है, वेबसाइट पर लैंड करता है। अब जैसे ही वो वेबसाइट पर आया, वेबसाइट पर लैंड करने के बाद अलग अलग एक्शंस उसके हो सकते हैं, या तो वो इमीडिएटली बाउंस कर जाएगा, चला जाएगा, उसने एक सेकंड के लिए बस पेज देखा चला गया, या फिर वो आगे बढ़ेगा उसी पेज पे, जो भी ऑफरिंग्स हैं, जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है पेज पे, जो लिंक्स हैं, जो दूसरे वेबसाइट के पेज हैं वो उनको एक्सेस करेगा, वेबसाइट एक्सप्लोर करेगा, अलग अलग एक्शंस वो ले सकता है। तो एक विजिट तब मानी जाती है जब कोई भी कस्टमर जैसे ही वेबसाइट पर आया वहीं से उसकी विजिट स्टार्ट हो गई। अब अगर विदाउट टेकिंग अ 30 मिनट ब्रेक वो लगातार वेबसाइट पर बना हुआ है और 12 घंटे तक बना हुआ है विदाउट टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट, तो वो एक विजिट मानी जाएगी। लेकिन अगर उसने 30 मिनट से ज्यादा का ब्रेक ले लिया, जैसे कि उसने वेबसाइट पे आया, 10 मिनट यूज किया, फिर 30 मिनट तक उसने छोड़ दिया, और उसके बाद 40 मिनट 45 मिनट बाद दोबारा आया, 30 मिनट के बाद दोबारा आया, तो वहां पर उसकी दूसरी विजिट काउंट हो जाएगी। और अगर वो लगातार एक वेबसाइट पे बना हुआ है 12 घंटे से भी ज्यादा, 12 घंटे 5 मिनट हो गए वो बना हुआ है, तो 12 घंटे जैसे ही समाप्त होंगे वैसे ही उसकी वो दूसरी विजिट मानी जाएगी। तो ये होती है टेक्निकल डेफिनेशन विजिट की। अब कई बार एक और मैट्रिक होता है गूगल एनालिटिक्स में और अडोबे एनालिटिक्स में, जो कि होता है एंट्री। एंट्री कई बार विजिट से कंफ्यूज की जाती है, कई बार उसमें मिक्सअप हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि विजिट और एंट्री में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम जस्ट इसके नाम को समझेंगे एंट्री विजिट से, उससे हमको पता लगता है। तो विजिट तो वेबसाइट पे आप कहीं पर भी लैंड कर रहे हो, किसी भी पेज पे लैंड कर रहे हो, विजिट तो आपकी मानी जाएगी। अगर आप एक बार उस वेबसाइट पर गए, किसी एक पर्टिकुलर पेज पे लैंड किया, तो वहां पे आपने दो काम किए, एंट्री भी की है, विजिट भी की है। लेकिन फिर जब आप उस वेबसाइट से चले गए और वापस दोबारा वेबसाइट पर आए किसी दूसरे पेज के जरिए, तो वो एंट्री उस दूसरे पेज की मानी जाएगी, लेकिन विजिट वो एक ही रहेगी उस वेबसाइट के लिए। तो इसका मतलब यह है कि एंट्री जो मैट्रिक है वो पेज लेवल पे देखा जाता है, और वो जो एंट्रीज हैं वो अगर आप देखेंगे एट अ साइट लेवल, तो विजिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर एंट्रीज।
दोस्तों ये थी छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी जानकारी विजिट्स और एंट्रीज के बारे में। मेरे अगले आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा और भी साइट कैटलिस्ट मैट्रिक्स की। बने रहिए इस चैनल पर, देखते रहिए इस चैनल को, और अगर आपको ये पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के जानकारी वाले वीडियोज बनाता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुक्रिया।